हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल केमिकल टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके स्टेटमेंट हैं केल्विन प्लैंक एंड कैल्सियस स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमने पिछले लेक्चर से जितने भी बना चुके हैं, आप लोगों ने अगर लेक्चर देखे होंगे तो हमारे लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा करके सभी लेक्चरों को देख लीजिएगा। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर न्यू अपडेट्स और आपके कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, तो टेलीग्राम अवश्य ज्वाइन कर लें। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक। तो सेकंड लॉ बात करने से पहले हम थोड़ा सा आपको बता दें कि फर्स्ट लॉ में हमारा क्या बताया गया था और फर्स्ट लॉ ने हमें क्या नहीं बताया था, इसलिए सेकंड लॉ की आवश्यकता पड़ी। तो फर्स्ट लॉ में ये बताया था, जो भी हमारी टोटल एनर्जी होती है हमारी, ठीक है, क्यू जो कि एनर्जी होती है, उसको हम क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में क्या करते हैं, एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये हमारे फर्स्ट लॉ ने बताया था। लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि किस डायरेक्शन में और किस कंडीशन में ये जो भी एनर्जी है उसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये सेकंड फर्स्ट लॉ हमारा यहाँ पर क्या रहा, विफल रहा, मतलब असफल रहा। ठीक है, तब ये सेकंड लॉ का आविष्कार हुआ। तो सेकंड लॉ में क्या बताया गया, तो चलो आप सेकंड लॉ बताते हैं आपको। तो सेकंड लॉ में ये बताया गया है कि जो भी हमारा हीट जो भी होगी, हीट आपको जैसे कि फिगर्स में दिखाई दे रहा है, किधर डायरेक्शन है इसकी, हॉट से कोल्ड की तरफ, ठीक है, तो हाई से लो की तरफ, ठीक, हाई से लो की तरफ फ्लो हो रही है, ये हमारा सेकंड लॉ ने बताया था। ठीक है, तो सेकंड लॉ में दो स्टेटमेंट थे, एक केल्विन प्लैंक एंड एक कैल्सियस प्लैंक स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसमें दोनों में हम डेरिवेशन करेंगे और आपको थ्योरी के माध्यम से सब तरीके से आपको समझाएंगे। तो इसमें ये बताया गया था कि जो भी हमारी हीट है, जो भी हीट है, हम किसी भी, जैसे कि आप ले लीजिए कोई भी इंजन है आपका, इंजन को क्या कर रहे हैं, इंजन है आपका, ठीक है, इंजन है, उसको हम हीट दे रहे हैं। तो इंजन को हीट देंगे तो हमारा क्या होगा, इंजन क्या होगा, वर्क में एनर्जी क्या होगी, एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो क्या होगा, हाई से क्या होगा, लो की तरफ फ्लो होगी। ठीक है, जैसा कि आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात करेंगे केल्विन ने क्या बताया, केल्विन प्लैंक ने क्या बताया और कैल्सियस प्लैंक ने जो भी आपके दो स्टेटमेंट बने थे उन्होंने क्या बताया। तो पहले हम थ्योरी के माध्यम से बताएंगे, फिर आपको अच्छे से समझाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपना केल्विन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की आपकी जो भी डेफिनेशन जो भी है उसके बारे में कंडीशन में पढ़ेंगे। इंग्लिश में है, इंग्लिश वाले तो समझ लेंगे, हिंदी में भी मैं समझाऊंगा, तो हिंदी वाले धैर्य बनाए रखें। ठीक है, द स्पेसिफाइंग द कंडीशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इंटू क्या है, इनटू वर्क इज कॉल्ड सेकंड लॉ। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जो भी हमारी एनर्जी है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, वर्क में कन्वर्ट करेंगे, ये सेकंड लॉ ने बताया। ठीक है, फिर उसके बाद दो स्टेटमेंट बने इसी में, एक केल्विन जो कि वैज्ञानिक थे आपके, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि इट इज इम्पॉसिबल टू गेट ए कंडीशन सप्लाई टू वर्क बाई कूलिंग ए बॉडी ऑफ सिस्टम टू ए टेम्परेचर लोअर देन दैट ऑफ द कोल्डेस्ट ऑफ इट्स सराउंडिंग। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी एनर्जी है वो हॉट से क्या होगा, कोल्ड की तरफ फ्लो होगी, ये केल्विन ने बताया था। क्या होगा, जो भी हॉट से क्या होगा, कोल्ड की तरफ फ्लो होगी। आपको ये तो पता है कि जो भी हमारी एनर्जी फ्लो होती है वो हायर से लो की तरफ फ्लो होती है, तो ये आपका किसने बताया था, केल्विन ने बताया था। ठीक है, तो ये यही इस डेरिवेशन में यही दे रहा है कि ये आपकी क्या है, कि जो भी एनर्जी होगी हॉट से लो की तरफ फ्लो होगी। फिर उसके बाद कैल्सियस ने क्या बताया कि उन्होंने बताया कि इट इज इम्पॉसिबल फॉर ए सेटिस्फाइड मशीन अनएडेड बाई एनी एक्सटर्नल अगेंसी टू ट्रांसफॉर्मेशन हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर। मतलब इनके कहने का मतलब ये है आपका कि आज तक ऐसा कोई इंजन नहीं बना है, आज तक ऐसा कोई इंजन नहीं बना है
जो टोटल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट कर सके, वर्क में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, टोटल क्या होगा, एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ लॉसेस जरूर आएंगे। जैसे कि आप लोग देखते हो, जैसे गाड़ी चलती है, ठीक है, गाड़ी चलती है, उसमें हम जो भी ऑयल जो फ्यूल से डालते हैं, डीजल हो गया, ठीक है, डीजल डालेंगे तो उसमें क्या होगा, उसमें कोई ना कोई टोटल हमने डीजल दिया, टोटल हमारी वो एनर्जी होगी, क्या होगा, डीजल क्या होगा, एनर्जी होगी। अब उसमें क्या होगा, टोटल क्या होगा, वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि उसमें रासायनिक, जैसे आपको पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, वो वायु प्रदूषण होता है, वो क्या होगा, रासायनिक प्रदूषण में कन्वर्ट हो गया और कुछ हमारी वर्क में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारी टोटल एनर्जी क्या होगा, वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती। ठीक है, तो कैल्सियस ने ये बताया कि जो भी हमारी, हम बात करेंगे कैल्सियस ने क्या बताया, जैसे कि अभी अब चलते हैं हम अपने फिगर्स पर। तो कैल्सियस स्टेटमेंट ने बताया, जैसे कि अब जो हॉट से क्या हो रहा है, हॉट से लो की तरफ फ्लो हो रही है क्या एनर्जी, हॉट से लो की तरफ। और कैल्सियस ने ये बताया कि कोल्ड से हॉट की तरफ हम एनर्जी को फ्लो कराएंगे तो ये फ्लो नहीं होगा जब तक कि इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता ना दी जाए, मतलब एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए तब तक ये क्या होगा, टोटल जो भी आपका कोल्ड से हॉट की तरफ एनर्जी फ्लो नहीं होगी। ठीक है, ये कैल्सियस ने बताया, क्योंकि जब हमारा जो रूल्स बना है वो क्या है, हाई से लो की तरफ फ्लो होना है। यहाँ पर कैल्सियस ने बताया ऐसा कोई इंजन नहीं बनाया है कि जो कि कोल्ड से हॉट की तरफ बगैर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स के फ्लो नहीं करा सकता। जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तो कोल्ड से एनर्जी हॉट की तरफ फ्लो नहीं होगी। ठीक है, तो लो से हाई की तरफ फ्लो करा रहे हैं। ठीक है, तो लो की तरह हाई की तरफ फ्लो कराएंगे तो उसमें क्या होगा, आपका हमें या रेफ्रिजरेटर आप लोग पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, आगे जब भी टॉपिक आएंगे तो पढ़ाएंगे, रेफ्रिजरेटर या फिर पंप का प्रयोग करेंगे। लिक्विड के लिए पंप का प्रयोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर गैसेस के वगैरह में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसमें यही कैल्सियस ने बताया कि जब तक इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक हमारा लो से हाई की तरफ फ्लो नहीं होगा जो भी एनर्जी होगी। ठीक है, और एक बात और बताऊँ, ये स्टेटमेंट आज तक किसी ने भी इस पर फेल नहीं किया है, आज तक ऐसा स्टेटमेंट नहीं बनाया कि इस कैल्सियस स्टेटमेंट को असफल कर सके। ठीक है, तो इसे में बस यही था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में कि प्लैंक ने बताया था कि जो भी हमारी एनर्जी है वो हाई लेवल से लो की तरफ फ्लो होगी। ठीक है, और टोटल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, ये कैल्सियस ने बताया, केल्विन ने। ठीक है, और कैल्सियस ने बताया, क्लासियस ने बताया कि जो भी हमारा एनर्जी है वो कोल्ड से लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो नहीं हो सकती जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता ना दी जाए। ठीक है, तो यही है आपका आज का ये टॉपिक। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर रखें, और ऐसी लेटेस्ट कंटेंट पाने के लिए अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सपोर्ट भी करें। ओके, थैंक्स फॉर माई वॉचिंग वीडियो।